can see this is the final look of our baby it recipe. Needs a से बहुत अच्छे से यहाँ पे जो है मौसम हो गया है ऑस्ट्रेलिया में और समर तो स्टार्ट हो गया है। सो गाइस आज भी मैं आप लोगों के लाई हूँ बहुत अच्छी सी इजी सी रेसिपी और ये एक डिप है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अगर आप लोगों में से कोई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई न्यू अपलोड एंड यू विल ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम द हैंडल इज जस्ट राइट हियर। सो गाइस आज की जो वीडियोस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग से होने वाली है और जो आज की रेसिपी है वो है एक मैक्सिकन डिप की। जी हाँ, दिस इज़ कॉल्ड द मैक्सिकन चिक पी डिप। ये हम लोगों ने एक जगह गए थे वहाँ पे मैंने ट्राई किया था एंड सिंस दैट डे आई रियली लव इट बिकॉज दिस इज़ वेरी इजी एंड गेट रेडी इन जस्ट फ्यू इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इसमें लगते हैं और यू कैन मेक अ वेरी 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 गुड डिप फॉर यू। और इसको आप एज अ लंच में जो है उसको ब्रेड पे जो होल मील ब्रेड होती है उस पर स्प्रेड कर लें और उसको खाएं और आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो ये एक इजी सी आपकी लंच की कहने के लंच के लिए एक अच्छी सी रेसिपी भी हो सकती है अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा बिजी हैं और टाइम नहीं होता है तो बस इस डिप को बना के रख लें। ब्रेड तो हर घर में होती है, जल्दी से उसमें लगाया और खा लिया। इसको आप इजीली कैरी भी कर सकते हैं अपने साथ इफ़ यू आर वर्किंग वूमेन या आपके किड्स हैं उनको लंच बॉक्सेस में भी डाल के दे सकते हैं। सो ये बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी डिप है। ठीक है, और मुझे तो डिप्स बहुत अच्छी लगती हैं। आई हैव लॉट्स ऑफ रेसिपीज और डिफरेंट डिप्स जो कि हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि आपको इसमें लेस ऑयल होता है। कुछ डिप्स ऐसे होते हैं जिसमें ऑयल होते नहीं है। सो हमें वही फूड ज़्यादातर अपने खानों में यूज़ करने चाहिए जो कि हेल्दी वे हों, हेल्दी वर्जन होना चाहिए अपने फूड्स का भी। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इसका क्या प्रोसीजर है। सो ये सब जानने के लिए चलना पड़ेगा किचन में। सो नाउ लेट्स मूव टू द किचन एंड हैव अ लुक ऑन द इंग्रेडिएंट्स एंड द प्रोसीजर ऑफ टुडेज मैक्सिकन चिक्पी डिप। सो व्यूअर्स नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड द टुडे रेसिपी व्हिच इज मैक्सिकन चिक्पी डिप। सो आप देखा कि मैंने यहाँ पे एक पैन रख लिया या तवा जो भी आपके पास हो या आपके पास ग्रिल पैन हो, यू कैन यूज़ एनीथिंग। ठीक है, और ये है कैप्सिकम। सो हियर आई एम टेकिंग दिस वन लार्ज कैप्सिकम। ठीक है, और इस ये जो हमारा आज का रेसिपी है इसके लिए हमें जो है वो रेड कैप्सिकम ही चाहिए। या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिप, मैक्सिकन डिप, इटालियन डिप, एशियन डिप, एनी काइंड ऑफ डिप जिसमें कैप्सिकम यूज़ हो रहा है। सो ऑलवेज यूज द रेड कैप्सिकम बिकॉज रेड कैप्सिकम इज़ वेरी गुड इन टेस्ट और ये थोड़ी सी शार्प होती है टेस्ट में भी, तो इससे अच्छा बड़ा जो टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाता है एंड यू विल गेट द रियली गुड टेस्ट ऑफ योर डिप्स। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मैं इसको हल्के हल्के से रोस्ट करूँगी इतना कि इसके अच्छी स्मेल आ जाए और इसकी जो स्किन है ये सॉफ्ट हो जाए अंदर तक, शिमला मिर्च भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और इसके लिए मैं यूज़ करूँगी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। ठीक है, जस्ट स्प्रिंकल करेंगे इसको हल्का हल्का सा। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवर टू डेज चिक पीस मैक्सिकन डिप का। तो हम क्या करते हैं कि इसको अच्छे से रोस्ट करते हैं अपनी कैप्सिकम को, या इसको बेल पेपर भी कहा जाता है। तो चलिए मैं इसको अच्छे से रोस्ट करती हूँ एंड देन आई विल टेल यू द नेक्स्ट स्टेप। हे गाइस, यू कैन सी आई कट दिस कैप्सिकम इनटू द स्मॉल पीसेस सो इट विल गेट रोस्टेड वेरी वेल। सो यू कैन डू द सेम थिंग। ठीक है,
सूर्य के हल्के से निशान आना शुरू हो गए हैं और इसको हमें अच्छे से रोस्ट करना है इतना कि ये सॉफ्ट हो जाए. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस रेसिपी इज दैट यू डोंट डिस्कार्ड द सीड्स, सो वी हैव टू यूज दिस सीड्स इन दिस डिप टू. तो देखिए इस तरह से हो रही है और अभी मुझे इसको थोड़ी देर और करना है, अभी स्टिल ये हार्ड है, ठीक है. सो आई थिंक इट विल टेक्स हार्डली 2 to 3 minutes मोर, सो द कैप्सिकम विल बी डन. आफ्टर दैट आई विल टेल यू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ अवर मैक्सिकन डिप. सो स्टे कनेक्टेड एंड वीडियो को फुल वॉच करना है आपने, ठीक है. आई विल सी यू विद इन 2 minutes. सो व्यूअर्स, यू कैन सी अवर कैप्सिकम इज ऑलमोस्ट डन एंड दिस इज सॉफ्ट एंड टेंडर. So now at this stage I'm going to off the flame, and what is the next step, I will put this capsicum into the blender aur isko acche se blend karungi. And trust me, the smell is coming, it's so awesome. It means achhi smell aa rahi hai, I really love it. So now what I'm gonna do, I'm going to blend this capsicum into the blender. Hey guys, you can see I blend the capsicum very well, and you have to be very very careful when you are doing the blending of this capsicum. No added water in it, ठीक है. So you are not supposed to add a single drop of water. बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं करना है. और देखिए ये अपने जो मैंने सिर्फ इसमें थोड़ा सा ड्रिजल किया था ऑलिव ऑयल, उसमें ये अच्छे से ब्लेंड हो गई है. आई हैवंट यूज अ सिंगल ड्रॉप और इवन अ स्पैशेस ऑफ वाटर. एंड बी केयरफुल, अगर आपने पानी यूज कर लिया देन योर डिप विल बी रुइंड, ओके. सो नाउ लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स लाइक. सो गाइज, यू कैन सी दिस इज द कैप्सिकम जिसको हमने रोस्ट किया था, और आफ्टर ब्लेंडिंग इट लुक्स लाइक दैट. द कलर इज सो ब्यूटिफुल. और ये रेड कैप्सिकम थी बट नाउ इट्स टर्न इनटू सम ऑरेंज कलर में ना. सो स्मेल और कलर बोथ आर ऑसम. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सो नेक्स्ट स्टेप इज दैट वी हैव टू एड सम मोर इंग्रेडिएंट्स इन इट, एंड देन आफ्टर दैट अवर टुडेज मैक्सिकन डिप विल बी रेडी. सो लेट मी टेल यू द नेक्स्ट स्टेप. सो व्यूअर्स, यू कैन सी अवर कैप्सिकम डिप का जो पहला स्टेप था हमने डन कर लिया है. सो व्हाट वी डिड, वी जस्ट रोस्टेड और चार ग्रिल्ड अवर कैप्सिकम एंड देन वी ब्लेंडेड इट, ठीक है. इसको ब्लेंड कर लिया. अब हमें क्या करना है, इसमें हम डाल देंगे ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट्स, चिक पीस. तो ये 420 ग्राम का मेरे पास चिक पी का जो है वो केन है, ठीक है. ये देखें चिक पी. और अगर आपके पास चिकपी का केन नहीं है सो यू कैन यूज़ इट एट होम. लाइक जो हमारे पास चिकपीस घर में रखे होते हैं ना नॉर्मली, उसको आप बॉयल कर लें और अराउंड 1 cup ऑफ चिकपीस हो जाएंगे ये. बट हेयर आई एम यूजिंग द रेडीमेड चिकपीस. सो दिस इज द 1 tin अबाउट 420 ग्राम्स का, ठीक है. ये चला गया इसके अंदर. नाउ व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट हम डालेंगे इसके अंदर अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट जिसके बगैर कोई भी खाना कम्प्लीट नहीं होता है, सॉल्ट टू टेस्ट, या बहुत थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमें इसमें एक और चीज़ डालनी है, उससे इसका टेस्ट इन्हेंस होगा और क्या होगा, उसमें ऑलरेडी मौजूद होता है. और अब हम इसमें डालेंगे मैक्सिकन चिली पाउडर. अच्छा, अगर आप लोगों के पास मैक्सिकन चिली पाउडर नहीं है सो यू डोंट नीड टू बी वरी, यू कैन यूज़ द नॉर्मल चिली पाउडर. बट इफ़ यू फाइंड द मैक्सिकन वन दैट विल बी वेरी गुड. सो ये चलेगा इसमें इसके इंग्रीडियंट्स, ओके. नाउ एट दिस स्टेज अगेन वी हैव टू ब्लेंड इट वेरी वेरी वेल विदाउट एडिंग एनी वाटर. जो कुछ भी था वो ये था. अच्छा, इसके अलावा इसमें जो जाएगा थोड़ा सा जस्ट ये देखें समझ लें 1 tablespoon के करीब एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल, ठीक है, ये भी जाएगा इसमें. सो ये सारी चीज़ें होगी. नाउ आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट वेरी वेल, देन आई विल शो यू द लास्ट स्टेप ऑफ दिस मैक्सिकन डिप जिसके बाद ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू ब्लेंड ऑल दिस इन्ग्रीडियंट्स वेरी वेल. So guys, here is the Mexican dip. So you can see the smooth mixture is here of all the ingredients I used it, like chickpeas, capsicum and the spices, Mexican chili powder, salt and some olive oil. ठीक है, उसके बाद this is the final look. So now what I'm going to take out in the serving dish, and after that I will add 1 secret ingredients which really gives the taste and the texture will be very good. So first of all, what I'm going to take it out in the serving dish, and I will tell you the last and the final step of our today's Mexican chickpea dip. Hey guys, you can see I have taken out this Mexican dip into the serving dish, but it is not completed yet because we have to add our last ingredient, which is very important. So after adding this, the taste and the texture will be very, very, very smooth and enhanced. ठीक है, तो इसका टेस्ट होगा बहुत जबरदस्त हो जाएगा.
So now, what is the last ingredient of our today recipe? Is the dressing. जी हाँ, आप कोई भी पसंद की choose कर सकते हैं. This is not necessary that what dressing I'm using here. You can use the same. No, you can choose the dressing of your own choice. But you have to make sure the dressing you are choosing must have some ingredients which is very necessary for this dip. ठीक है, तो इसमें होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसमें? ऑरिगेनो, पार्सले, कैप्सिकम एंड लेमन. ठीक है, ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इस डिप को देंगे बहुत ही मज़ेदार सा एक टेस्ट, इसका टेक्सचर और फिर जो मज़ा आएगा ना, ट्रस्ट मी. ठीक है, तो मैं एक दफ़ा फिर तक बता देती हूँ कि वेन एवर यू आर गोइंग टू सेलेक्ट द ड्रेसिंग, यू मस्ट सी द इंग्रेडिएंट्स एंड द ड्रेसिंग मस्ट हैव ऑरिगेनो, पार्सले, कैप्सिकम एंड लेमन. जेस्टी लेमन यानी कि वो जो उसको छिलके को करके करते हैं. ठीक है, तो ये होना चाहिए. अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे अराउंड 1 टेबल स्पून के करीब ये ड्रेसिंग इसके अंदर. ये देखिए, ठीक है, बस ये हो गई. अब हम इसको देंगे अच्छा सा मिक्स और फिर मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक. हे गाइस, यू कैन सी दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर टुडे रेसिपीज विच इज़ द मैक्सिकन चिकपी डिप. एंड ट्रस्ट मी, द टेस्ट इज़ वेरी गुड, द टेक्सचर इज फैंटास्टिक एंड ये इतनी ज़बरदस्त डिश बनी है, इतनी अच्छी डिप बनी है कि ट्रस्ट मी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ लंच. यू जस्ट टेक द होल मील जो होता है ब्राउन ब्रेड का, टोस्ट बोले लें, उसको टोस्टर में अच्छे से कड़क करें, स्प्रेड करें और खा लें. यकीन करें कि आप लोगों को बस मज़ा आने वाला है, ट्रस्ट मी. ये इतनी हेल्दी डिप है, हाई प्रोटीन. ठीक है, वेट लॉस के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है. नॉट ओनली फॉर द वेट लॉस, अगर आप लोग मेंटेनेंस फेज पे भी हैं दैन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिप. ठीक है, इसको आप बच्चों को भी दे सकते हैं, छोटे से कंटेनर में डाल के कॉर्न चिप्स के साथ वो डिप लगा के खा सकते हैं. ठीक है, सो ये थी मेरी आज की रेसिपी एंड दिस इज द फाइनल लुक ऑफ मैक्सिकन चिकपी डिप. सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो मैक्सिकन चिकपी डिप की एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी. इफ़ यू रियली लाइक माय वीडियो एंड माय रेसिपीज, सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. ऑल्सो इफ एनी वन ऑफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज डू इट नाउ एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज. एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम विच इज जस्ट राइट हियर, सो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इफ यू हैव एनी क्यूरी. इफ यू गिव मी एनी सजेशंस आई विल हैप्पीली एक्सेप्ट इट. So guys, till next video, take very good care of yourself. सबको दुआ में याद रखें, सबके लिए दुआ कीजिए. इंशाल्लाह ताला, I will see you in another exciting video. Till then, Allah Hafiz, take care. Bye-bye.